भाई डायमंड सीरियसली बोल रहे जैसा माचू नाइन गली अगर नहीं आ जाए ना रोड के बीच में, भाई रोड तो बहुत ही अच्छा है। पान गुटवा खाऊ ना कौन बिमल बोलो जुवा केसरी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे और मैं ही हूँ बहुत ही बढ़िया। आपके लिए इस वाला व्लॉग लेके आया हूँ भाई, भुवनेश्वर टू बालेश्वर, जो कि होने वाला है सबसे लॉन्ग रूट में तय करने वाला हूँ। अभी फिलहाल के लिए हम निकलते हैं। गाइस बहुत लेट हो गया, मैं सोचा था 5 बजे निकलूँ लेकिन 6 बज गया है। और गाइस देखो यार क्या भाई सनराइज़ है, सनराइज़ को देखो भाई साहब। यू कैन नोटिस कि अभी 6 बज गया है, 6:30 बज गया है लेकिन भाई कोहरा ही कोहरा हमारे आगे। हाँ भाई, जाड़ा का मौसम चले जाने के बाद भी कोहरा, क्या बताऊँ यार। भाई ये जो फील है ना, अमेजिंग फील है भाई। संडे राइड को जब निकलता था भाई, माँ कसम गजब मजा आ जाता था भाई। भाई जाके देखो यार, आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा कि नहीं? मेरे को मालूम नहीं लेकिन मेरे को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है भाई साहब, क्या बताऊँ यार। यहाँ पे कर लेते हैं फुल अप, क्योंकि बाद में हमें एसपी प्रीमियम देखने के लिए नहीं मिलेगा, तो हम इधर से ही फुल अप करा लेते हैं। कितने भी 2 मिनट्स का पेट्रोल अरे भाई दे दो, टैंक फुल कर दे। दोस्तों टैंक फुल कर लेते, नहीं तो बाद में कहीं दिक्कत होना पड़ेगा। और रास्ते पे रुकेगा यार, ये देखता हूँ आज टैंक फुल करने में कितना जाता है, करता है हमारा अरे भाई मेरा ब्लड प्रेशर की तरह हाई क्यों जा रहा है इतना? मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। गाइस यहाँ पे हमारा कट चुका है 890। और गाइस मैं आपको बता दूं कि मैं कल का राइड पूरी को किया था, तो भाई आज पेशेंस नहीं है, लेट में उठा इसलिए। गाइस वेलकम टू कटक यार। भाई क्या बताऊं भाई कटक आने के लिए हमें लेस देन 20 मिनट्स भी नहीं लगा, और भाई कब लगा, क्योंकि भाई जल्दी से हम आ गए। मैं आपको जैसे ही बोल रहा था हम 1 घंटा लेट हो चुके हैं, तो 1 घंटा रोड पर ही मैनेज करेंगे। और रोड पर मैनेज करने का ये मतलब है कि दोस्तों हमें चलना पड़ेगा हमारे टॉप स्पीड पे। कटक का भाई जो सीनरी है बहुत ही अमेजिंग है भाई, लेकिन वही चीज़ कि भाई थोड़ा मेरे को कंफर्टेबल फील नहीं होता है कटक में, क्योंकि भाई इतना सारा क्राउड, ट्रैफिक, क्या बताऊँ भाई। गाड़ी से ऊन करना ही एक बड़ी बात है कटक में, और उसके बाद आप चलाओगे तो और वो भी एक दिक्कत। तो गाइस कटक से निकलते हैं यार। दोस्तों वी आर एंटर टू जाजपुर, और कुछ किलोमीटर के बाद हमारा घर होम टाउन भद्रक आएगा भाई। क्या बताऊँ बालेश्वर 133 बॉस, 133 किलोमीटर बालेश्वर फटने वाला है लिटरली। मैं अभी तक कर चुका हूँ, मैं बताऊँ आपको, मैं स्पीडो चेक कर लेता हूँ। मैं अभी तक 64.7 मतलब 65 के आसपास कर चुका हूँ, और 133 मेरे को करना है आज ही, और उसके बाद लौटना भी है भाई भुवनेश्वर डेफिनेटली नहीं, इस भद्रक में मैं रुक जाऊंगा शायद से, लेकिन अभी फिलहाल के लिए बिना किसी बकचोदी के चलते हैं भाई। क्या रोड है बस इस तरह बोल रहे जैसा माचू नाइन गली अगर नहीं आ जाए ना रोड के बीच में, भाई रोड तो बहुत ही अच्छा है। और भाई उसके गाँव के नीचे से क्या भर, देखो भर भर के निकल रहा है अरे सॉरी यार उसके एग्जॉस्ट पाइप से, सॉरी। जब भी मेरा घर जाता हूँ ना, ये वाला माउंटेन हिल को जरूर से देख के जाता हूँ भाई। क्या भाई है यार, पूरा रोड के नज़दीक है, और भाई ऊपर देखो एक घर है छोटा सा भाई, क्या व्यू उधर से आता होगा यार। ये पूरा NH जो है, क्या व्यू आता होगा मैन। भाई जाजपुर को मैं अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया हूँ, तो इसको भी एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि भाई हमारा काम ही है वही, ट्रैवलिंग एक्सप्लोर, और भाई क्या आप सबको दिखाना, और आप सब भी एंजॉय करना हमारे ब्लॉग को देख के। देखो मैं अगर आपको बता दूं कि सोलो ट्रैवलिंग और ट्रैवलिंग हो या आप राइड में बोल सकते हो, लेकिन भाई दोनों में मज़ा आपको डिफरेंट आएगा। एक सोलो जाते हो तो आपके मन में ये तो हमेशा रहेगा कि भाई मैं अकेला हूँ, अगर रास्ते पे कहीं मतलब खुदा ना खास्ता कुछ हो जाए, लेकिन अगर रास्ते पे कुछ भी हो जाता है जैसे कि टायर मान लो पंचर हो गया लेकिन सुनसान एरिया, तो आप क्या करोगे? अगर ग्रुप राइड करते हो तो हेल्प मिल जाएगा, लेकिन सोलो ट्रैवल कर रहे हो तो भाई हेल्प मिलना बहुत ही मुश्किल है। मैं तो फिलहाल के लिए सोलो ट्रैवल करता हूँ हमेशा, क्योंकि मेरा जितना भी सफ़र होता है वो पूरा NH से ही होता है, तो इतना कुछ दिक्कत वाली बात नहीं।
लेकिन लेकिन गाइस जो पूरा करते हैं ना ये वगैरह क्या पहाड़ों वगैरह पूरा ट्रैकिंग करते हैं उनको मानना पड़ेगा, वो जो सोलो ट्रैवल करते हैं। हम पहुंच गए हैं भद्रक भाई, होम टाउन में घूमने का मजा ही कुछ अलग है। और गाइस गाइस मैं अभी इसे रुकने वाला हूँ नहीं हूँ, मैं बालेश्वर भी जाऊँगा डायरेक्ट। मेरा नेक्स्ट जो डेस्टिनेशन होने वाला है वो होने वाला है सोरा। आप है भद्रक से तो कमेंट करके जरूर से बोलना भाई, मेरे को भी लगेगा कि हाँ भाई मेरे शहर से भी कोई है। गाइस बता दूँ आपको कि आप जाजपुर से अगर बालेश्वर साइड आओगे तो भाई आपको एक भी कहीं देखने के लिए नहीं मिलेगा कि वो दही बड़ा का जो ठेला लगाते हैं ना साइड में, मैं तो कभी नहीं देखा हूँ, मतलब देखा होगा तो याद नहीं है, लेकिन साइड में ऐसा जैसे लगाते हैं ना उधर कटक में भुवनेश्वर में, तो कोई नहीं लगाता यार, ऐसे फेमस नहीं है इसलिए। जैसे कि मेरे ऊपर आप देख रहे हैं बालेश्वर 58, भाई साहब इधर से भी 58, एक फटने वाला है भाई। लगभग लगभग मैं आज राइड कर चुका हूँ कितना 200 किलोमीटर तो हाँ मेरा जाने का हो गया, आने का पता नहीं क्या करेंगे, लेकिन मैं जाने का 200 किलोमीटर भाई रुके नहीं, मैं मिडिल में एक या दो जगह पे रुके थे वो भी जैसे शुशु करने के लिए, लेकिन भाई साहब कौन बोलते हैं भाई R15 कम्फर्टेबल नहीं है, मेरे को तो भाई कुछ मतलब ऐसा दर्द वगैरह कुछ नहीं होता। मज़ेदार भाई इसका राइड एक बार करो ना, बाकी सारे गाड़ी का राइड भूल जाओगे, बिस्ट है भाई बिस्ट है। गाइस मैं आपको एक चीज़ और बोल दूँ भाई, आप माइलेज के बारे में पूछते हो ना, ये देखो माइलेज, मैं भुवनेश्वर से पेट्रोल डलवा के आया था टैंक फुल, और ये देखो भाई पूरा वैसे ही वैसे स्ट्रेट है भाई, एक ही पॉइंट नहीं है, मतलब समझ चुके होंगे इधर से मैं और क्या बोलूँ। 50 के MPL तक तो भाई NHP आपको आराम से इजी से दे देगा, और उससे ज़्यादा अगर उठाने हैं तो भाई देख के चलो, हम आज थोड़ा सा हाइपर राइड करके आए तो भाई माइलेज का ड्रॉप आउट हो सकता है, लेकिन 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 आप अगर एवरेज स्पीड पे चलते हो मान के चलो वही 100 के अराउंड तो आपको बहुत ही अच्छा माइलेज निकाल के R15 दे देगी। और गाइस अभी फ़िलहाल के लिए हम पहुंच गए सोरो, इधर से मैं पिकअप करने वाला हूँ कि किसी को, उससे पहले कि भाई इधर से मैं चलता हूँ थोड़ा सा नीचे, भाई क्या रोड है भाई सबसे बेकार रोड लेकिन भाई दोस्त मेरा इधर रहता है उसको थोड़ा सा हेलो हाय बोल के चले जाएंगे। नेत्रू कम फर्स्ट कम। One eternity later. Swag swag. भाई डायमंड। भाई seriously? ना। क्या है ये चीज? ओ सास गाड़ी का फोटो उठा रहा है भाई, उठा ले। चोर पुलिस को देंगे। ब्रो बाय बाय ब्रो, आसीब देखा करी बे, टेंशन ना राघु जी। रागिलो छोड़ ला मैं आ गया। जो अभी फिलहाल के लिए आने वाले हैं कोई एक खास वन है यार, उसका आज बर्थडे है तो भाई साहब क्या है बोलूँ आपको, ओ फक लौड़े लग गए अपने भाई। वो जो बंदे पीछे थे वो पूरा घूर घूर के देख रहे हैं, शायद से उनका इधर से इतना ये नहीं है तो इसलिए घूर घूर के देख रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं हम इंतज़ार करेंगे। एक लड़की आने वाली है भाई ब्लॉग में, समझ रहे हो ना, लड़की का चक्कर बाबू भैया, इसी चक्कर में भाई लाइक कर लो वीडियो को। ओ भाई व्हाट योर रिएक्शन, अब रिएक्शन कैप्चर करो, देखो मिरर पे रिएक्शन। ओ भाई खतरनाक रिएक्शन दूसरे तुम बॉयज मैंने। गाइस मैं इसके बारे में बता दूं तो ये है मेरा यार दोस्त, इसका आज बर्थडे है तो इसको हैप्पी बर्थडे। अरे हैप्पी बर्थडे तो तेरे को नहीं बोला, हैप्पी बर्थडे। अच्छा बोल रहा था कि ये भाई मेरा 10 साल का दोस्त है भाई, इसका आज बर्थडे है तो मैं सोचा कि भाई एक को सरप्राइज़ क्यों नहीं दिया जाए, तो सुबह सुबह इसको बोला कि भाई तू रेडी रहे मैं आ रहा हूँ और मिल के जाएंगे बालेश्वर घूम फिर के आएंगे, तो ये पूरा रेडी होके बैठी थी और अभी आई। गाइस फिलहाल के लिए राइड स्टार्ट करते हैं, पंचलिंगेश्वर हमारा डेस्टिनेशन है। मैं भी मतलब क्या हुआ ना टाइम को देख के सब मैनेज करना पड़ता है भाई, 44 किलोमीटर अगर उधर जाएंगे तो भाई लड़की का हॉस्टल भी बंद हो जाएगा ना शाम को, तो इसको ला के छोड़ना शायद से नहीं हो पाएगा, तो निकलते हैं पंचलिंगेश्वर। और भाई मैं भी बहुत दिन हो गया नहीं गया हूँ तो
फिलहाल के लिए चलते हैं। गाइस पंचलिंगेश्वर वाला रास्ता बहुत ही बढ़िया है और आपको एक अच्छा वाला व्यू के साथ मिल जाएगा। देखिए आगे है पहाड़ और भाई साहब रिएक्शन देखो, रिएक्शन भाई बच्चे क्या घूरते हैं बॉस। थोड़ा थोड़ा आपको गोप्रो में दिख रहा है कि नहीं मेरे को मालूम है, लेकिन उधर से मेरे को तो अभी नज़ारा दिखना स्टार्ट हो गया। इधर से लेफ्ट लेना पड़ेगा और भाई 3 किलोमीटर के बाद पंचलिंगेश्वर है। भाई भाई साहब क्या व्यू पॉइंट है भाई, हिल टॉप देखो, गजब का लोकेशन है मान लो। और इधर से फ़ोटो खिंचवाते हैं यार, मेरे को क्यों लगा कि इधर से फ़ोटो खिंचाना चाहिए। हाँ इतने मैंने सिंपल मॉडल है बस। भाई ये व्यू पॉइंट देखो भाई, क्या गजब का लग रहा है भाई। ऊपर वाला माइनिंग जैसा लग रहा है और नीचे वाला थोड़ा थोड़ा घास फूस, जिसको हम घास फूस बोल रहे हैं, ये लिटरली बड़ा बड़ा पेड़ है इस टाइप का। लेकिन कोई बात नहीं, चलो सही है, अक्सर लोगों को पागल लगता हूँ लेकिन हूँ नहीं। ये पान गुटा खोजू ना कौन, विमल बोलो जुवा केसरी, जोर जोर से बोल के लोगों को बता दे। वाओ भाई इतना पास से भाई, भाई साहब क्या बोलूँ क्या बोलूँ, कतई जहर भाई कतई जहर। आगे बाइक पार्किंग है मेरे को जो इतना भी याद है, चुदर करने अभी बोला। बस अभी फिलहाल के लिए इधर से स्विच होते हैं हेलमेट से, डायरेक्ट गोप्रो ओरिजिनल गोप्रो पकड़ते हैं, उसके बाद देखता हूँ। और गाइस अभी देखे थोड़ा सा ऊपर आ गए हैं गाड़ी पार्किंग, और आपको यहाँ पे बहुत कुछ मिल जाएगा सामान, जैसे कि अब इधर से भूख परचेज कर सकते हैं और खाना पीना और खिलौना वगैरह। इस बच्ची के लिए खिलौना लेने वाले हैं भाई, चलते हैं आगे ऊपर। बहुत पैर दुख रहे हैं भाई, 2-3 बार ऐसे ही संडे को राइड किए थे हो गया था, अभी फिलहाल के लिए और इतना भाई स्टेप है, पता नहीं यार 5-10 साल हो गया आए हुए। फिर पहुँच गए हैं पूरा फ्रंट में, रिजर्व एंट्री करने वाले हैं ऊपर को। और भाई साहब ये ऊपर देखो कितना स्टेयर है भाई साहब, मुंडन किया जा रहा है भाई किसी का, सही है बॉस। चलो बॉस इधर से कितना स्टेयर है मालूम नहीं, लेकिन इधर से डायरेक्ट चलते हैं ऊपर। और वो लड़की हमारे हेलमेट पकड़ के चल रही है, जूम कर ले जूम जूम, ऊपर चलते हैं गाइस। दोस्तों ये अभी चेक करो यार कहाँ हो अभी, अरे उधर चल आगे। चप्पल पहन जाएगी भाई साहब, भाई छोटा सा एक वाटरफॉल देख सकते हो इधर ऊपर से है भाई साहब, फोटो वगैरह खिंचाते हैं भाई। ये क्या है, ये चीज़ क्या है भाई साहब, एडवर्टाइजमेंट लेवल हाई है यार, जैसे देख के आना नहीं तो पैर वगैरह अगर खिस फिसल गया ना डायरेक्ट नीचे तो अच्छा होगा। दोस्तों जब भी इधर साइड आते हो तो अच्छे से आओ। और गाइस क्या बताऊँ, सब बढ़िया। और भाई क्या फील है, 5 साल के बाद आ रहा हूँ लेकिन भाई अमेजिंग फील। और वो लड़की उधर ना आ रही है, ओह बहुत ही वाहियात चढ़ाई है भाई। क्या बोलूँ, ये चश्मा में एक खरीद ला, कैसा लग रहा है भाई, 70 रुपया का है भाई, 70 रुपया घर चला जाएगा इसमें। और ये लड़की का देखा, इतना मोटी होने के बावजूद वो मोटी को इस बात है। हाँ भाई सब चलते हैं ऊपर, फिलहाल के लिए पहुँच गए दोस्तों, अभी फिलहाल के लिए नीचे चलते हैं। और नीचे जाने के बाद उधर पानी के अंदर ऊपर हाथ मार के देखते हैं कि क्या कितना है। तो बैग वगैरह इसके कंधे पे है, इसको कहीं इधर रख लेते हैं, इधर शायद रख लेते हैं। और हेलमेट भी पकड़ी है तो भाई साइड रख दो ना साइड है भाई। क्या प्लेस है भाई, क्या प्लेस है देखो तो थोड़ा, अरे पीछे पूरा पहाड़ ही पहाड़ है भाई। कितना अभी धीरे धीरे क्राउड बढ़ गए हैं, नीचे पूरा जाएंगे, जैकेट वगैरह इधर ही रख लेंगे, कोई नहीं लगा भाई, मैं जानता हूँ तुम्हें, इधर कौन जैकेट लगा यार। देख 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 ड्रोन सब निहाल से लड़की को देखा यार, लड़की को देखा उधर फेंक देंगे उधर उधर साइड पूरा भाई साहब। मैं एक चीज़ आपको बताना भूल ही गया, इधर आप चेक करो कि इसको क्लीनिंग करने का भाई किसका जिम्मेदारी है बोलो तो। इतना पैसा लेते हैं इधर से स्टैंड वगैरह कलेक्ट करते हैं भाई, इसको साफ कौन करेगा, इसको देखो ये साफ कौन करेगा,
कुछ नहीं सोचते यार, क्या करें इसके लिए। कल से तू काम पे लग जा, 10 रुपया महीना, इधर आके ये सब साफ कर लो। रेडी है बॉस, ये साफ करेगी कल से। डायरेक्ट जाने वाले हैं पंचलिंग सर, इधर टच करेंगे, देखेंगे हमारे हाथ में लगता है कि नहीं। शायद से 3 जो स्टैचू है वो टच होंगे, लेकिन 2 नीचे रह जाएंगे, तो देखते हैं क्या होगा क्या नहीं। मैं भी ये पहली बार कर रहा हूँ, जितना बार आया हूँ बहुत भीड़ है, और इस बार मेरे को मौका मिला कि भीड़ भाई कम है तो निकलते हैं। बस सब सही था भाई, इतना पास में। मैं जब पहले आता था तो मेरे को लगता था कि यार पता है पूरा नीचे जाना पड़ेगा, पूरा भीगना पड़ेगा तभी जाके ये होगा, लेकिन हाँ बल्ले बल्ले एक दो तीन तीन और बहुत भीतर घात पर रहने जाएगी आउट दीटा मेरे बट मगर आए तो कष्ट था आए ना हाथों बोले जाने का तीन डबल ना वही तीन डबल हो रही डबल तू पहले तीन डा मैं आगरू पाई थी चलो जी बड़ा भला बड़ा मिल हाँ मिलो मत चल। सो गाइस और क्या, बस हो गया, और ब्लॉगिंग के बारे में क्या बताऊँ, बहुत लंबा हो जाएगा। और इसके नेक्स्ट वाला जो पार्ट आएगा ना, इसका सेकंड वाला भाई बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि ये लड़की का बर्थडे सेलिब्रेट उधर किया जाएगा, तो भाई नॉनवेज देखें। तो गाइस स्टे ट्यून फॉर मोर ब्लॉग्स, और क्या बताऊँ, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा धूप भी हो रहा है। तो मिलते हैं नया मस्त वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, स्टे हार्ड स्टे सेफ।